Santhal family is a very beautiful open-air large-scale sculpture जिसको राम किंकर बैज ने बनाया था in 1937. It's beautiful open air. कितना बड़ा है हम देख सकते हैं. Almost life size sculpture उन्होंने create किया है and it's beautiful open air ये रखा हुआ है. It is made out of metal armature and cement mixed with pebbles and placed in the compound of Kala Bhavan Shantiniketan. शांतिनिकेतन में जो कला भवन है, हमने पढ़ा था विश्व भारती यूनिवर्सिटी में जो कला भवन है नेशनल इंडिया फर्स्ट नेशनल स्कूल ऑफ आर्ट कला भवन, वहाँ के उसके कंपाउंड में ये स्कल्पचर आज भी रखा हुआ है. और ये एक संथल मैन, संथल बेसिकली एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल है, एक तरीके से हम कह सकते हैं ट्राइब है जो कि पहाड़ियों में हम उनका एग्जिस्टेंस देख सकते हैं राजमहल हिल्स वगैरह पर. Carrying his children in a double basket joined by a pole. तो हम ये देख सकते हैं यहाँ पर कि एक संथल मैन है ये जो कि अपने बच्चों को इस तरीके से एक बास्केट में ले जा रहा है जो कि पोल्स के थ्रू जॉइंट है. ये पोल है पूरा एंड ये पूरी बास्केट है और वो अपने बच्चों को कैरी कर रहा है. Perhaps it speaks of the family migration from one region to another carrying all their frugal possessions. तो ये इस कल्चर के थ्रू वो अगेन एक राम किंकर बैज जो है वो एक बहुत ही ग्रेव और सीरियस इशू को इंडिया के हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं. संथल जो है वो बहुत ज़्यादा रिच या वेल्दी क्लास नहीं है एंड वो मोस्टली एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स उनके पास इतने मीन्स या मीडियम नहीं होते हैं. उनका बेसिक ऑक्यूपेशन जो एग्रीकल्चर होता है जो उससे वो थोड़ी सी अपनी लिविंग करते हैं, उनका लाइवलीहुड चलता है. दिस मस्ट बी एन एवरीडे सीन फॉर द आर्टिस्ट living amidst the rural landscape. However, he gives it a monumental status. The sculpture is made in the round, which means that we can see it from all sides. It is placed on a low pedestal, making us feel as if we are part of the same space. So round है, हम all throughout देख सकते हैं इसको, किसी भी direction से काफ़ी clearly दिखता है. और ये बहुत ऊंचाई पर नहीं रखा गया है, इसको इन्होंने बिल्कुल low pedestal पे almost life size बनाया है जिससे ऐसे लगता है कि वो actually एक sculpture नहीं, हमारे सामने एक scene हो रहा है, बिल्कुल ऐसा लगता है. सो अगेन ब्यूटीफुल डिपिक्शन करा है उन्होंने एंड इतने एक ऐसे इशू को वो इस तरीके से आर्ट के थ्रू इतने लोगों के सामने हाईलाइट कर रहे हैं. इट्स अमेजिंग. द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस वर्क इज दैट इट इज़ रिगार्डेड एज द फर्स्ट पब्लिक मॉडर्निस्ट स्कल्पचर इन इंडिया. वी डू नॉट नीड टू गो टू अ म्यूजियम टू सी इट एज इट इज़ प्लेस्ड आउटसाइड कला भवन. द मटीरियल ऑफ विच इट इज मेड इज ऑफ इज इम्पॉर्टेंट. The artists have avoided traditional medium like marble, wood or stone and has preferred cement, the symbol of modernization. Again हम देखेंगे कि इसको किसी म्यूजियम में या ऐसे अलग से नहीं रखा है, इसको ओपन में रखा है ताकि कॉमन मैन जाके इसको कभी भी जाकर विजिट करे, जाकर देख सकता है, जिससे कि हमारा कनेक्ट इस कल्चर के साथ और भी ज़्यादा बढ़ जाता है. एंड प्लस इसमें कोई भी ट्रेडिशनल थिंग्स जैसे कि मार्बल है, वुड है, स्टोन है, जिस पे ट्रेडिशनल या पहले से भी स्कल्पचर बने आ रहे हैं, उसका यूज ना करके सीमेंट, मेटल और उनको सीमेंट को पेबल्स के साथ मिक्स किया है और मेटल आर्मेचर का यूज़ किया है, विच इज़ वेरी यूनिक इन इट्स सेल्फ. दिस स्कल्पचर इज़ अगेन अमेजिंग, ट्रिमेंडस. और ये हमारे इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप का एक बहुत ही बेहतरीन और अच्छा एग्जाम्पल है. और उसको इस तरीके से उन्होंने प्लेस भी किया है लो पेडेस्टल पे, लाइफ साइज ऑलमोस्ट, एंड बिल्कुल ऐसी जगह पर प्लेस किया है जहाँ पे कॉमन मैन जाके देख सके. सो इंस्टेंट कनेक्ट विथ अस हम देख सकते हैं. इस स्कल्पचर को मैंने सिर्फ अभी NCERT बेस के आधार पे ही एक्सप्लेन किया है. फिर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू या हमारा आंसर स्ट्रक्चर इससे थोड़ा सा और अच्छा और बेहतर होना चाहिए. उसके लिए मैं इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डालूंगी, उस लिंक पर जाइए, उस वीडियो को देखिए और नोट्स उसका नाम रहेगा एंड उसके थ्रू हम देख सकते हैं कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा आंसर स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए.